अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। हो गया जी आप लोगों का एक और वीडियो में। तो भाई साहब आज जो है ना आपका भाई आज फिर कुछ खाने के लिए जा रहा है। आपको बोला ना आपको अपने भाई के साथ सिर्फ दो ही काम मिलेंगे, या घूमना फिरना या खाना। तो आज तो लगी हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, भूख बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नया खाने का दिल कर रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा खाने का दिल कर रहा है, या कुछ ऐसा खाने का दिल कर रहा है जो मैंने पहले खाया हुआ है, वही दोबारा जाके खा आऊँ। तो भाई आप सब भाई साहब निकले हैं, अब मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं जी अलवाला माल की तरफ। दो चीज़ें माइंड में हैं, एक पहला तो फर्स्ट ऑप्शन है अलबेक, वो खाना है, बड़े टाइम से नहीं खाया, अगर रश कम हुआ तो हम खाएंगे अलबेक। दूसरी ऑप्शन है कुछ लेटेस्ट मैंने देखा है पिज़्ज़ा हट का, पिज़्ज़ा मॉर्निंग, उनके कुछ चाय है, कुछ नई चीज़ आई है, मल्ट टाइप कुछ आया है, मैंने जी एच भी प्रॉपर देखा नहीं है, सुना ही है बस। तो अगर अलबेक पर रश हुआ तो फिर पिज़्ज़ा चले जाएंगे। वो आपको नज़र आ रहा है अलवाला माल, आपको लेके चलते हैं साहब। चलो चले हैं, चलो चले हैं, चलो चले लगी, चलो रश लगा। वो तो अभी सेंट्रल बस स्टॉप है, उसके साथ ये भी है, यहाँ पे छोटी बसेस खड़ी होती हैं और उसके आगे है बड़ी बसेस। उसके बाद इस अलवाला के वैसे दो एंट्रेंस हैं, शायद आपको ये नज़र भी आ रहा हो, एक मिनट दिखाता हूँ। दरख्त आगे है, एक तो ये बिल्डिंग है ना, इसके पीछे भी अलवाला है, ठीक है। बिल्डिंग जो है इसके लेफ्ट पे भी अलवाला है, वो देख रहे हैं। ये दूसरे गेट से लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बस हम चलेंगे अलबेक की तरफ ऊपर। अलवाला मॉल का फ्रंट फेस, इसका अलवाला मॉल ना वो सामने उस साइड पे लिखा हुआ है। तो हम जाएंगे यहाँ से अंदर, ये इसका अंडर पास है, यहाँ से आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। कार पार्किंग एरिया अलवाला मॉल का काफ़ी रश लगा रहता है। चलो जी हमें रुकना पड़ेगा, जिसने रोका हुआ है गाड़ी इधर से जाने दो, पीछे से जो रास्ता है। चलो जी पजो 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 पज ले। ओके जी हमने जाना है ऊपर। हाँ तो भाई आपका ये भाई इस तरह की शक्ल लगे फिर आ गया सामने, ठीक है। पीछे वो जो बुक स्टॉल लगा हुआ है आज, तो ये देखो बुक स्टॉल लगा हुआ है आज। अपना थर्ड फ्लोर पे सेकंड की तरफ चले। चलो जी हमारा आ गया थर्ड फ्लोर, हमने ऊपर जाना है। चले चलो चलते जाओ। अलबेक आ गया जी एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा रश है, ज़्यादा नहीं है। चलो जी आपको फिर मिलते हैं। थोड़ा दिन है जी, स्कैन करो मेन्यू, तो ये स्कैन कर रहे हैं। बहुत रश 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 राइट देख रहे हो, फुल ऑन बस रश चल रहा है। आ गया अपना टोकन आ गया, 63 आ गया है, अपना रेडी हो रहा है, ऑर्डर आता है। यस आ गया भाई, आ गया 63 आ गया। आई वाई वे ओके माई सॉस एंड माई टिश्यूज। अलबेक आ गया भाई का, अलबेक आ गया है, बैठ के खाते हैं कहीं पे तो आपको बताते हैं। अलबेक है, एक ही हमारी आ गई है। कौन चेंज यू भाई साहब, स्प्राइट नहीं सुन के बाद, वैसे मैं स्प्राइट पीता हूँ शौक से, लेकिन नाइस के माउंटेन ड्यू इसमें है। हम ये है हमारा फॉर्कर, और ये हमने एक ऑर्डर किया हुआ है शवारमा। अच्छा जी भाई साहब एक शवारमा है, एक बार एक कोल्ड ड्रिंक, और ये हमारा बर्गर। अकेला हूँ तो दो चीज़ें ली हैं, ऐसे तो और भी चीज़ें मुझे नगेट्स भी पसंद हैं, फ्राइड चिप्स भी लेनी थी। ये हम खाते हैं शवारमा। ओके गुड है, मज़ा आया। तो ओनली 550 दिरहम, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अब हम टेस्ट करते हैं बर्गर, ठीक है। बर्गर टेस्ट कर लें एक दफ़ा, तो फिर बर्गर का भी बता। ओ हो 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 हो, लुक एट दिस, लुक एट दिस, मज़े में
मज़े में चेक करो, चेक करो मज़े में। बर्गर के पैसे पूरे, बर्गर को मार, बर्गर के पैसे पूरे। 10 दिनों का बर्गर है, कमाल है, मज़ेदार। अच्छा 550 का हुआ है शुहरमा, 10 दिनों का ये बर्गर, ठीक है। बारबेक्यू बर्गर लिया मैंने, बारबेक्यू वाला बेक, मज़ेदार है, चस वाला है। अब मैं खा लूँ तो फिर मिलते हैं इसके बाद। वैसे बर्गर का तो सीन ये है, मेरे दिल कर रहा है बस आपको बार बार दिखाऊँ। ये देखो अंदर जो मायोनीज़ और उनकी सॉस वगैरह ना, हाय हाय हाय, मज़ा आ रहा है। उनकी जो बारबेक्यू सॉस का मज़ा आ रहा है, आपका मान है। अंदर से दिखा दूँ ऐसा भी, ये देखें, हाय 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 हाय, ये जो है ना, हाय हाय हाय, ये जो मज़ा दे रही है अंडा इनकी, अंडे वाला बर्गर, बारबेक्यू सॉस, ओए हाय हाय। खा दें तो ये सीटिंग इसकी ऐसे गोल बीच में, अपना खा लेके चलते हैं। भाई साहब मज़ा आ गया, भाई साहब मज़ा आ गया, बर्गर खाने का, क्या बात है जी, क्या बात है। अब मतलब बेग भाई क्या हाल है, ठीक हो, वेरी गुड, मज़ा आया आज। अच्छा जी अलबेग भाजी चॉइस, फिर मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई, चलते हैं, ठीक है जनाब। मज़ा आया, पैसा ज़ाया नहीं है, पैसा वसूल है, कमाल है। 550 का शुवारमा का, तो 10 दिरहम का बर्गर मेरा ना, उसमें जो बारबेक्यू सॉस का टेस्ट जो आया है, और हाय हाय उसने मज़ा दिला दिया। तरफ अब आपको मिलते हैं बाहर जाके, ठीक। हमारा आ गया है सीधा रास्ता, अब हम जाते हैं नीचे। चलो चलो ओपन द डोर, चलो छू छू मंता, छू छू छू। जो बाहर निकलना चाहे बहुत ज़रूरी है, चाहे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये यूई वालों को पता है। चलो अजान हो रही है, करते हैं बाद में। चाय आ गई है राशिद अली की, ये है इधर की, राशिद अली साहब आ गए हैं चाय लेके, हम निकलते हैं अब। चाय की तरह गरम गरम, क्या बात है। वो भाई खाना हो गया, तो एक आया, एंड करते हैं ब्लॉग का इधर। मुझे तो बहुत मज़ा आया, पैसे पूरे कर दिए हम लोगों ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी दिन और आएंगे, उस दिन फिर उनके वो जो नगेट्स वगैरह हैं, फ्राइड चिप्स वगैरह, वो टेस्ट करेंगे, सही है, वो भी आपको दिखाएंगे किसी दिन। हाँ मुझे, मैंने शुरू में कहा था पिज़्ज़े का, पिज़्ज़े का जो नया है वो भी आजकल में टेस्ट करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है भाई। ज़रा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये भी करो ना साथ साथ, कमेंट करो जो अच्छा लगता है वो बताओ, जो आपको लगता है चीज़ अपडेट होनी चाहिए वो भी बताओ, लाइक करो ताकि पता लगे अप्रिशिएट कर रहे हो। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।